स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज 22 अप्रैल का दिन है और 22 अप्रैल के दिन को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, किसी भी दिवस को मनाने का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य उस दिवस को एक जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उस नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस को मनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी 1970 में हुई थी। होता क्या है, अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो 1969 में कैलिफोर्निया में सांता बारबरा में तेल रिसाव होता है और इस तेल रिसाव के कारण वहाँ पे एक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस तेल रिसाव से हजारों जो समुद्री पशु जो समुद्री हमारे पास जीव जंतु थे उनकी हत्या उनकी मारे जाते हैं। और उसके बाद 1969 के बाद 1970 से ये दिवस मनाने की परंपरा शुरू होती है, क्योंकि इस घटना के बाद लोगों का ध्यान पर्यावरण की तरफ आकर्षित हुआ। इसके बाद 1970 में दिवस अमेरिकी निवासी सीनेटर गैलार्ड नेल्सन के आह्वान पर पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर लगातार अब ये दिवस कंटिन्यू मनाया जा रहा है और अभी इसकी 54वीं वर्षगांठ इस बार हम मना रहे हैं 2024 में। इस बार जो इसकी थीम है वो है प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, मतलब इस बार जो मानवीय स्वास्थ्य और उसके प्रति जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो एक संतुलन यहाँ पे स्थापित करना है, इस उद्देश्य से इस बार इस दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम पृथ्वी दिवस की बात करें तो 2009 में यूएनओ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और इसमें देखें तो 2016 में जो पृथ्वी दिवस था, इस दिन एक पेरिस समझौता भी हुआ था जो कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन था उस उत्सर्जन से संबंधित था। इसका उद्देश्य था कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन में कमी लाना। इसके अतिरिक्त इसी दिन अगर हम देखें एक पृथ्वी सम्मेलन भी हमारे पास आता है 1992 में। तो पृथ्वी सम्मेलन में ये था कि ये जो 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो में, इस सम्मेलन में एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है कि जो वर्तमान और भविष्य के बीच की जो आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है। ठीक है, तो आज जो ये दिवस है मना रहे हैं हम, जिसे पृथ्वी दिवस के रूप में, इसे इसके प्रति हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको प्रदर्शित करना है कि ये दिवस हमने पृथ्वी दिवस के बीच कैसे उकरना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।